कुशीनगर पुलिस ने लाखों के ठगी करने वाले शातिर गैंग का किया पर्दाफाश। एयरलाइंस में जॉब देने का झांसा देकर करते थे ठगी। कुशीनगर बेरोजगार युवकों को नौकरी के नाम पर ठगने के लिए धंधेबाज रोज नए नए तरीके अपना रहे हैं। देश में बेरोजगारी का हाल ये है कि युवा ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। पूरी जानकारी की वजह से युवा नौकरी पाने की बजाय अपने बड़ों के जीवन भर की पूंजी खो देते हैं। कुशीनगर में धवल जायसवाल की पुलिस एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो सैकड़ों युवकों को नौकरी देने के नाम पर ठगी करता था। इस गैंग ने बेरोजगार युवकों को एयरलाइंस में नौकरी देने का वादा करते थे। पुलिस ने इस मामले में चार शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पीड़ितों के 3 लाख रुपए नकद, 2 चार पहिया वाहन, 43 फर्जी मोहर, 7 ATM कार्ड, बैंक पासबुक, चेक आदि भारी मात्रा में अवैध सामान बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग फिलिप कैजन प्राइवेट लिमिटेड ट्रेनिंग सेंटर की आड़ में बेरोजगार नव युवकों को एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर प्रति व्यक्ति से लगभग 2.50 लाख रुपए लेते हैं, जिसमें अभियुक्त शमशाद के कॉलेज जाकिर अली इंटरमीडिएट कॉलेज फर्जी ट्रेनिंग सेंटर बनाकर ढोंग करते हैं। इन लोगों का गिरोह इस फर्जीवाड़ा के लोगों के साथ धंधे में मिलकर काम करते हैं तथा बेरोजगार नवयुवकों को एयरपोर्ट में सर्विस दिलाने का झांसा देकर राव MRI एंड इमेजिंग सेंटर दाशूने के एम राव MD RD KGMC छात्र संघ चौराहा कसिया रोड गोरखपुर में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाता है ताकि नवयुवकों का विश्वास बना रहे तथा सुमन मंडल व उबैदुल्लाह उपरोक्त के द्वारा नौकरी के संबंध में नवयुवकों को भ्रमित कर व उकसाकर एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने हेतु उकसाते हैं। ये लोग गैंग के अन्य लोग भी इस ग्रुप से जुड़े हैं। इसी ग्रुप में उबैदुल्लाह और शमशाद और सुमन मंडल वाइस SMS से झूठा भरोसा दिलाकर नवयुवकों को नौकरी के लिए आकर्षित करते हैं तथा कसिया रामकोला स्थित अशरफ अंसारी पुत्र सहाबुद्दीन अंसारी, जिनकी मदीना ज्वेलर्स के बगल में जूते चप्पल की दुकान है, और उनके मकान में फर्जी ट्रेनिंग का ढोंग करते हुए नवयुवकों को झूठा झांसा देते हैं। झूठे झांसे से मनोवैज्ञानिक ढंग से उनसे अवैध धन कमाने की नियत से उन्हें पर प्रति कैंडिडेट 2.50 लाख रुपया एक मुश्त मिलता है, जिसमें कुछ पैसा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन व नकद लेकर बरामद लैपटॉप व प्रिंटर की सहायता से फोटो एडिटर व कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर की मदद से स्पाइसजेट एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस व एयर इंडिया के ऑफर लेटर को हैक कर एडिट कर तथा उनको मैनुअली निकालकर बरामद फर्जी मुहरों का इस्तेमाल कर तथा एयरलाइंस के अधिकारियों की मुहर पर मूल फर्जी साइन कर नियुक्त पत्र ऑफर लेटर दे देते हैं। इस एवज में उनसे उपरोक्त 2.50 लाख से 3 लाख तक पैसा ऐंठ लेते हैं। बाद में जब बेरोजगार नवयुवक को पता लगता है कि ये कुटरचित दस्तावेज है तो ये लोग उनको जान से मारने की धमकी से डराकर भगा देते हैं तथा ट्रेनिंग सेंटर की जगह को भी बदल देते हैं। क्या मामला पूरा, क्या मामला? जनपद कुशीनगर में साइबर सेल स्वाट टीम कोतवाली और खड्डा थाना ने एक सनातनी कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो एयरपोर्ट पे अलग अलग तरीके से नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करता था और उनके पैसे लेकर उन्हें गलत डॉक्यूमेंट देकर उन्हें फर्जी तरीके से धोखाधड़ी का काम किया करता था। इनके पास से करीब 3 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 2 चार पहिया वाहन है, 43 फर्जी मोहर है, 7 ATM कार्ड है, विभिन्न प्रकार की पासबुक, चेक और नौकरी दिलाने के जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको बरामद किया गया है। इसमें से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम शमशाद, राहुल, सतीश चंद, शोएब अख्तर है। ये इनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि ये पहले जो भी बेरोजगार युवक थे उनके डॉक्यूमेंट्स लेते थे और उन्हें ट्रेनिंग के नाम पे अलग अलग शहरों में भेज दिया करते थे और उनको 1 महीने 2 महीने जैसी आवश्यकता पड़ती ट्रेनिंग देते थे और उनसे पैसे वसूलते थे कि ये ट्रेनिंग का आपका खर्चा है, और उसके बाद उनको एक फर्जी नियुक्ति पत्र देकर विभिन्न एयरपोर्ट्स पे भेज देते थे। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते थे तो ये डॉक्यूमेंट उनका फर्जी निकलता था, तो इस तरह से ये पूरी अपनी कार्रवाई जो है प्रक्रिया में लाते थे। मेरी तरफ से इस सराहनीय कार्य को देखते हुए पूरी टीम को 25,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इस गिरोह में कितने लोग सक्रिय थे सर? फिलहाल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इनके कुछ और भी लोग हैं जो विभिन्न प्रदेशों में कार्यरत हैं, उनके लिए भी पुलिस टीम गठित की गई है।